हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग पार्टीशन के बारे में देखेंगे कि पार्टीशन क्या होता है, ये किन किन के बीच किया जाता है, किस किस प्रॉपर्टी का पार्टीशन नहीं होता है। चलिए देखते हैं। और सबसे पहले ये जान लीजिए कि आप अगर इस वीडियो के सारे कंटेंट को कॉपी करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पार्टीशन इज द डिवीजन ऑफ ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी। पार्टीशन जो होता है वो ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी जो होता है उसका होता है, अर्थात को पार्शनरी प्रॉपर्टी द इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नॉट सब्जेक्ट टू पार्टीशन। ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? कोपार्शनरी प्रॉपर्टी, जितने भी कोपार्शनर होते हैं सबकी वो प्रॉपर्टी होती है, तो उन सबके बीच में पार्टीशन होता है। इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, इंडिविजुअल का जो भी प्रॉपर्टी होता है उसका पार्टीशन नहीं होता है। ए प्रोसेस बाय विच कोपार्शनर सर्व्स हिज रिलेशन विद ज्वाइंट फैमिली एंड इज नो मोर कोपार्शनर। कह रहा है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोपार्शनर क्या होते हैं, अपने अपने जो भी उसका पार्टीशन होता है वो लिखते। इन मिताक्षरा स्कूल द पार्टीशन मीन्स टू थिंग्स। मिताक्षरा स्कूल में पार्टीशन का दो मतलब होता है, सर्वरेंस ऑफ स्टेटस और इंटरेस्ट ऑफ इच कोपार्शनर, हर कोपार्शनर का उसका इंटरेस्ट। एक्चुअल डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द शेयर्स नो स्पेसिफाइड नोन एज पार्टीशन बाय मीटर बाउंड्स। क्या होता है? एक्चुअल डिवीजन होता है प्रॉपर्टी में और उसे क्या बोला जाता है, उसके शेयर के हिसाब से, और उसे बोला जाता है मीटर बाउंड्स। मीटर के हिसाब से नापकर उसे जो भी होता है उसका शेयर वो उसे दिया जाता है। इन दया भागा स्कूल पार्टीशन मीन्स ओनली डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी बाय मीटर्स एंड बाउंड। दया भागा स्कूल में पार्टीशन का मतलब सिर्फ प्रॉपर्टी बाउंड्स के और मीटर के हिसाब पर जो होता है वो होता है। लाइबिलिटीज टू बी टेकन केयर बिफोर द पार्टीशन। कुछ लाइबिलिटीज होती है जो कि पार्टीशन से पहले पूरा किया जाता है। डेब्ट्स, डेब्ट्स ऑफ फादर या फिर कर्ता, टेकन ऑन बिहाफ ऑफ द पर्पस ऑफ ज्वाइंट फैमिली। यानी जितने भी डेब्ट्स कर्जा होते हैं या तो पिता के द्वारा या फिर जो भी उस फैमिली का कर्ता होता है उसके द्वारा जितने भी डेब्ट्स लिए गए होते हैं उन सब ज्वाइंट फैमिली के लिए, उसके पर्सनल पर्पस के लिए नहीं, ज्वाइंट फैमिली के लिए जितने भी डेब्ट्स लिए गए होते हैं उन सब का भुगतान किया जाता है पार्टीशन से पहले। मैरिज एक्सपेंसेस ऑफ डॉटर, डॉटर के मैरिज का एक्सपेंसेस जो भी होता है वो। परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन सेरेमनीज एंड राइट, और कुछ सेरेमनीज या राइट्स होते हैं उसके जो परफॉर्मेंस के लिए जो होता है उसको साइड किया जाता है। मेंटेनेंस, देर आर सम मेंबर्स ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली हु आर नॉट कोपार्शनर्स। कह रहा है कि हिंदू ज्वाइंट फैमिली में कुछ ऐसे मेंबर होते हैं जो कि कोपार्शनर नहीं होते हैं लेकिन इंटाइटल टू मेंटेन आउट द ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी, लेकिन उसे क्या, ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी के द्वारा क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। दे कैन बी डिस्क्वालिफाइड कोपार्शनर्स एंड देयर इमिनेट डिपेंडेंट्स। वो जो होते हैं वो डिस्क्वालिफाइड कोपार्शनर्स होते हैं, वो कोपार्शनर नहीं होते हैं लेकिन उसको ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी से ही मेंटेन किया जाता है। इसके बाद है मदर, स्टेप मदर, ग्रैंड मदर एंड अदर फीमेल्स इंटाइटल्ड टू मेंटेन बाय ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी। मदर, स्टेप मदर या ग्रैंड मदर जो भी होती है फीमेल्स, उन सबको ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी से मेंटेन किया जाता है। अनमैरिड सिस्टर या विडोड डॉटर ऑफ डिसीज्ड कोपार्शनर, अगर कोई कोपार्शनर है उसकी विडोड डॉटर है उसे भी ज्वाइंट फैमिली की प्रॉपर्टी से क्या किया जाता है, ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी पर लाइबिलिटी होती है उसकी। मोड्स ऑफ पार्टीशन, अब हम लोग देखेंगे कि पार्टीशन के क्या क्या मोड्स हो सकते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंशन, वन मेंबर ऑफ द ज्वाइंट फैमिली कैन एक्सप्रेस हिज इंटेंशन टू पार्टीशन। दैट एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंशन ओनली रिजल्ट इन सेवरेंस ऑफ ज्वाइंट स्टेटस इवन थ्रू नो एक्चुअल पार्टीशन टू प्लेस। कह रहा है कि अगर ज्वाइंट फैमिली का कोई भी एक व्यक्ति एक्सप्रेस करता है पार्टीशन के इंटेंशन को लेकर तो क्या कैसे कैसे पार्टीशन होता है हम लोग देखते हैं। पहला, बाय पहले तो सबको नोटिस के माध्यम से या फिर विल के माध्यम से या फिर एग्रीमेंट के माध्यम से या आर्बिट्रेशन या फिर सूट के माध्यम से। कन्वर्जन टू अदर रिलीजन,
अब लोग देखते हैं कि अगर कोई रिलीजन बदल लिया होता है तब क्या होता है। दिस लेड टू बी ऑटोमेटिक सर्वेंस ऑफ इट्स स्टेटस एंड इट एग्जिस्ट फ्रॉम द डे ऑफ सच कन्वर्जन। हाउ एवर ही इज इंटाइटल्ड टू रिसीव ऑफ शेयर फ्रॉम द प्रॉपर्टी। क्या अगर वो रिलीजन कन्वर्जन कर चुका है वो फिर भी, लेकिन उसका शेयर जो भी प्रॉपर्टी में होगा वो उसे मिलेगा। मैरिज अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट, अगर स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर शादी हुआ हो तब। इफ कोपार्टनर मैरिज अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, सर्वेंस ऑफ स्टेटस अकर्स ऑटोमेटिकली फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज। कोपार्टनर इज इंटाइटल्ड टू रिसीव हिज और हर शेयर्स फ्रॉम द प्रॉपर्टी। कह रहा है कि अगर कोपार्टनर जो होगा वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करता है तो उसके जितने भी शेयर्स होंगे वो ऑटोमेटिकली आफ्टर द डेट ऑफ मैरिज क्या उसको अपना शेयर मिल जाएगा। रीओपनिंग ऑफ पार्टीशन, अब पार्टीशन को रीओपनिंग कब करेंगे ये देखते हैं। मिस्टेक और सूट कैन बी फाइल्ड इफ एनी ऑफ द ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टीज हैव बीन लेफ्ट आउट ऑफ पार्टीशन बाय मिस्टेक, दे कैन बी सब्जेक्टेड लेटर। अगर कोई भी व्यक्ति हो जो कि ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी से छूट गया हो बाय मिस्टेक तो क्या हम लोग रीओपनिंग द पार्टीशन कर सकते हैं। डिस्क्वालिफाइड को पार्टनर, डिस्क्वालिफाइड को पार्टनर, अब कौन सन इन उम्ब, अगर कोई बच्चा जो जन्म नहीं लिया है। इफ ए सन इन उम्ब एट द टाइम ऑफ पार्टीशन एंड नो शेयर वाज अलॉटेड टू हिम एट द टाइम ऑफ पार्टीशन एंड नो शेयर विल बी अलॉटेड टू हिम एट द टाइम ऑफ पार्टीशन देन लेटर इट कैन बी रीओपेंड। कह रहा है कि कोई बच्चा जिसका जन्म नहीं हुआ है तो उसके नाम पर शेयर नहीं अलॉट हो सकता, उसके जन्म के बाद उसके जो भी हो शेयर्स होंगे वो अलॉट किया जाएगा और उसी से रीओपेंड करके। Adopted son, the adopted son is permitted to reopen the partition in case of if widow of copartner adopted a son after the partition। कह रहा है कि copartner की widow जो होती है वो adopt son को adopt करती है son को after the partition, तब वो क्या होगा परमिट किया जाएगा पार्टीशन रीओपन करने के लिए। इन सच एडॉप्शन अंडर हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, ये जो एडॉप्शन होना चाहिए वो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के तहत होना चाहिए। रिलेटेड बैक टू द डेथ ऑफ डिसीज हस्बैंड एंड सच एडॉप्टेड सन कैन बी रीओपन द पार्टीशन, जो कि पार्टीशन वो उसके डिसीज हस्बैंड के कारण खत्म हो चुका होता है वो फिर से रीओपन होता है एडॉप्टेड सन के कारण। अब्सेंट कोपार्टनर, अब इसके बाद माइनर कोपार्टनर, माइनर कोपार्टनर क्या होते हैं देखते हैं। इफ अ माइनर कोपार्टनर कैन क्लेम फॉर री ओपनिंग द पार्टीशन इफ इट इज नॉट अलॉटेड हिज शेयर एट द टाइम ऑफ पार्टीशन आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। अगर किसी माइनर को उसका शेयर नहीं मिला है तो जब वो मेजोरिटी अटेंड कर लेता है तो अपने शेयर के लिए क्या कर सकता है, फिर क्लेम कर सकता है। रीयूनियन वेरी रेयरली प्रैक्टिस है, रियूनियन जो होता है वो रेयरली ही होता है। इफ एनी मेंबर ऑफ द फैमिली वेंट टू गेट टुगेदर एंड ज्वाइंट देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स ई एस्टेट बैक अगेन दे के, अगर कोई भी अपना साथ रहना चाहता है तो वो रह सकता है। यू कैन रियूनियन ओनली विथ दोज मेंबर्स पार्ट ऑफ पार्टीशन, यू कैन रियूनियन आप भी कर सकते हैं विथ दोज मेंबर्स ऑफ पार्टीशन। चलिए अब देखते हैं इस वीडियो के सारे कंटेंट को कॉपी कैसे करना है। सबसे पहले इस वीडियो के शेयर बटन पर जाए, वहां से लिंक को कॉपी कर ले। इसके बाद वीडियो के क्रोम ब्राउजर में जाए और वहां पेस्ट करें, सर्च करें। इसके बाद वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में जाके लॉन्ग प्रेस करके सारे कंटेंट को कॉपी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।